हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर 16 वीक्स प्लान, जिससे आप अपना सिलेबस खत्म कर सको नीट 2024 के लिए। बहुत बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि भैया सबसे पॉसिबल है क्या। कई सारे बच्चे लगे हुए हैं एक साल से दो साल से। ठीक है, देखो यार, हो सकता है आपने पढ़ाई स्टार्ट की हो, बीच में इंटरप्शन आ गया, फ्लो टूट गया, मार्क्स डिक्रीज हो गए, आपने पढ़ाई छोड़ दी। हो सकता है कोई और रीजन हो, हेल्थ इश्यूज हो, कोचिंग के इश्यूज हो, टीचर के इश्यूज हो, बहुत सारे इश्यूज है। आपकी गलती मेजोरिटी ऑफ टाइम्स होगी या किसी और की गलती होगी, तो जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करो, अभी तक गलती हो गई अपने से। और फाइनल ऑप्शन अपने पास यही है कि भाई अपन जितना सिलेबस उसे खत्म करें, एफर्ट डालें, क्योंकि एटलीस्ट एफर्ट डालना जरूरी है यहाँ पे। देखो, अगर आपको कम्पीट करना है इससे, जिससे एक साल मेहनत की है या 8-10 महीने मेहनत की है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम इन डेप्थ हर एक वीक का प्लान अभी शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भोपाल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, अपने को पूरा सिलेबस खत्म करना है 16 वीक्स में, मतलब 4 मंथ्स में। या मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कुछ ना कुछ तो आपका हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ कि 4 मंथ्स में सिलेबस खत्म करना, मतलब अभी जो है अपना लगभग नवंबर चल रहा है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक ऑफ नवंबर, जब भी देख रहे हो। ठीक है, यहां से अपन फेब तक खत्म कर देंगे ताकि आपके पास मार्च एंड अप्रैल रिविजन के लिए बचे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या करना है, ठीक है, डिटेल देखो लेक्चर्स की, कुछ कुछ चैप्टर्स की आपको लगता है डिफिकल्ट है, या आप इसमें वन शॉट देख सकते हो क्योंकि अभी टाइम कम है। तो जहां पे स्मार्ट वर्क कर सकते हो वहां स्मार्ट वर्क करो, जहां पे टाइम बच सकता है वहां पे टाइम बचाओ, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार डिटेल देखने चाहिए, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, कहाँ देखने हैं, कहाँ नहीं देखना, मैंने क्या किया था। ठीक है, तो इसके बाद आप अपना सीक्वेंस जो है वीक वाइज, मैंने वीक वन, वीक टू, मैंने एक पूरा प्रॉपर बना रखा है। ठीक है, 16 वीक्स का पीडीएफ का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सीक्वेंस चेंज करना है वीक्स का, लाइक वीक 4 पहले कर लिया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां मैं बैठ कर आपको प्लान दे सकता हूं, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद भी ना 99% मैं मान के, कई लोग बोलेंगे कि भैया 4 महीने में आप बोल रहे हो, ऐसा तो हर कोई क्रैक कर लेगा। मैं लिख के दे रहा हूं 99% स्टूडेंट्स ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बताओ एक चीज ये ना कि तुम कितने भी टैलेंटेड हो, ऑलरेडी तुम्हारे बहुत से रैंक्स आ रखे, तुमने ओलंपियाड फोल्ड रखे, ये कर रखे, अगर तुमने हार्डवर्क नहीं किया सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी दिन मैं चूज करूंगा एक हार्डवर्किंग गाय और टैलेंटेड गाय। ठीक है, क्योंकि हार्डवर्किंग गाय कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क का यूज करके, अपने चीजों दिमाग का यूज करके ना कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ठीक है, हार्डवर्क का यूज करके, तो मेन चीज है कि भाई कैसे प्लान करना है। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है आपका, कहां मिलेगा आपको ये, टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, जहां पे आपको इसका कंप्लीट जो है डिटेल्ड प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कैसे प्लान किया है, देखो, ठीक है, अपने टोटल 16 वीक्स, मतलब 4 मंथ्स के आसपास लगभग मांग के चल रहा हूं। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली होगा, हर दिन होगा। ठीक है, आज प्लान करो कि इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ठीक है, सबके साथ होता है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा करते हैं ना, वो एटलीस्ट अपना टारगेट 90% 80% कंप्लीट करते हैं, जितना क्लोज जा सके, एफर्ट डालते हैं। तो एफर्ट डालना जरूरी है, जितना आप एफर्ट डालोगे ना, रोज का थोड़ा बहुत एफर्ट जो है आपका जो पाइलअप होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, ये वीक वन मैंने क्या किया, मैंने एक वीक में तीनों पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज यहाँ पे आपको मैंने क्या किया है, अगर मैंने थोड़ा उस वीक में फिजिक्स डिफिकल्ट लिया है, थोड़ा मैंने केमिस्ट्री इजी कर दिया, बायो इजी कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट वीक में बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, बेसिक चैप्टर से आराम से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस मोल कंसेप्ट है और तुम्हारे बायो में 2 चैप्टर है। ठीक है, ऐसे करके मैंने पूरे इसको बांट दिया। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है, तुम्हें पता है ये दोनों चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं, तुम इसके डिटेल लेक्चर मत देखो, वन शॉट देखो, टाइम बच गया, एनसीईआरटी पढ़ो बार बार, एक दो बार। ठीक है, सेम देखो सेकंड वीक में मोशन स्ट्रेट लाइन पे वेक्टर्स लिया, यहाँ पे 2 चैप्टर केमिस्ट्री के बड़े लिए। ठीक है, प्लांट किंगडम यहाँ पे बायो के भी बड़े लिए, तो इस वीक में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने पहले जल्दी खत्म कर दिया, तो इस वीक को कुछ ना कुछ यहाँ खत्म कर लो। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, सेम वीक थ्री में बस लूज ऑफ मोशन करना है फिजिक्स में, केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री में, और इसमें 2 चैप्टर्स, क्लियर। ऐसे आपको करते हुए वीक 4 मिल जाएगा, वीक 5 मिल जाएगा, वीक 6 मिल जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, ये अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि 16 वीक्स तक
कंप्लीट रिड्यूस सिलेबस को खत्म करने का प्लान किया है, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत लीनियंटली प्लान किया। एक हाथ दो ही वीक्स बीच में ऐसा है जो आपके हेक्टिक होंगे, ठीक है, और वो भी आपके कॉम्पेंसेट हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करके जो टाइम पुराने वीक में बच रहा है उसमें अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। तो ये किस बच्चों के लिए है, जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल सही नहीं चल रहा, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, नंबर आपके 500 प्लस, 550 प्लस, 600 प्लस है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, फॉलो करो। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 200 भी नहीं आ रहा, किसी कोचिंग को फॉलो भी नहीं कर रहे, टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा, अब पूरे ब्लैंक है, ठीक है, उनके लिए यह है कि भाई एटलीस्ट ये करो, ठीक है, एटलीस्ट एफर्ट डालोगे तब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो किसी बैच से रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक कंप्लीट शेड्यूल दे दिया है 16 वीक्स का, जिसको आप प्रॉपरली फॉलो करके, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, इसको फॉलो करके बस रैंक आ जाएगा, नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन की, ठीक है, कि अगर इसको अपने जो 1% बच्चे ना, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, जो इस वीडियो को देख रहे ना, बस 1% बच्चे ही ये भी कर पाएंगे, नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है, छोड़ देंगे, ठीक है, और यही पे 99% जनता पीछे रह जाएगी। तो अगर आपको 1% में आना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, और इसका कमिटमेंट आप मुझे दे रहे कमेंट्स के अंदर कि भैया आई विल कंप्लीट दिस टिल फेब एंड, अगर आप ये करते हो, ठीक है। देखो, तुम्हें रोज तुम्हारा जोश बढ़ाने मैं नहीं आऊंगा, ना तुम्हारे टीचर्स होंगे, ना पेरेंट्स होंगे, तुम्हें अपना मोटिवेशन, अपनी जान खुद लगानी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है, लड़ना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स, ठीक है। लगता है कि भाई बहुत आसान है, भाई खत्म कर देंगे फटाफट से, ठीक है, जब करने बैठोगे हालत टाइट होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन हालत टाइट होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो तुम्हें खुशी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, और तुम्हारी लाइफ को शायद चेंज कर दे, शायद डिफरेंटली चेंज करेगा, ठीक है। तो यही है, एफर्ट डालो, मैंने कंप्लीट वीक पर शेड्यूल दे दिया है, एक बार देखना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, उसको अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। कहां मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, नाम लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है, लिंक भी प्रोवाइड मैंने करवा रखी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लेट सी कितने लोग इसको कर पाते हैं, क्योंकि यार जितना टाइम कम होगा ना उतना लोड बढ़ेगा, खुद देखो, ठीक है, सिलेबस खत्म करना है, उसके बिना नीट में सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको 650 के मार्क्स तक पहुंचना है तो आपको अभी से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अभी से जान लगानी पड़ेगी, लास्ट एक दो महीने में आप नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।